तो मेरी बेइज्जती करती है। चुप कर। मैं नहीं आ रही तेरी वीडियो में। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग आ गए हैं करोल बाग मार्केट में एंड टुडे वी आर गोना ट्राई द स्ट्रीट फूड हियर। एंड अभी तो यार बहुत कपड़े दिख रहे हैं हमें स्टार्टिंग में, तो सो वी जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो अंकिता मुझे दिख रही है यहाँ पे गणेश छोले कुलचे पे। बहुत शोर है और रश भी होता है। क्या क्या डाल रहे हो आप? ये नमक है। नमक? ये हमारी पीली मिर्ची होती है। क्या है आपकी? ये पीली मिर्ची होती है, गरम मसाला होता है। अच्छा। और ये धनिया पुदीना और अदरक का पानी। अच्छा, धनिया पुदीना अदरक का पानी। बस अच्छा, ना कोई खटाई ना कुछ, छोले गरम गरम। ये डलिया, ये प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च का अचार, दो चार आलू। तो अब हम आ गए गणेश छोले कुलचे पे एंड उन्होंने हमारे छोले कुलचे बहुत जल्दी दे दिए एंड अभी इसकी बाइट लेते हैं। पनीर भी है, आलू भी है। नहीं, आलू ही है ये पनीर में, सॉरी। कैसा लगा आपको टेस्ट? मैं ओके, नेक्स्ट हमने ट्राई करी देसी चाउमीन। बिल्कुल उन्होंने हमारे सामने बनाई, फ्रेश वेजीज थी, नूडल्स थे, मसाले थे कुछ एंड कोई बेसिक विनेगर सोया सॉस एंड स्टफ। एंड इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, बहुत स्पाइसी थी। तो अगर आप लोग करोल बाग में कभी सोच रहे हो कि क्या खाएं स्पाइसी सा चटाक सा, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई द चाउमीन। इनका नाम जगदीश चाउमीन वाला है एंड देयर अमेजिंग। आपकी शॉप का नाम क्या है? हाँ जी, जगदीश चाउमीन वाला। ये बिल्कुल सामने ही है गणेश वाले के एंड अब हम अम्मी चाउमीन ट्राई करते हैं। नाम नहीं लिखा। ओके, तो करोल बाग मार्केट में ये चाउमीन वाले, ये बिल्कुल गणेश छोले कुलचे के सामने है। इनका प्राइस हाफ का 30 है, फुल का 50 है। अभी हमने हाफ लिया है देसी चाउमीन, तो देखते हैं कैसी है। कितना टफ टफ होता है खा। गोल गोले को मार दे। अरे मुंह में डाल ले यार, अच्छी लगी? अच्छी है, सही। 30 रुपीस के साथ है, अच्छी है। ओके, स्पाइसी है। हाँ, स्पाइसी है तो बहुत मिर्ची है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वो पी लेंगे क्या, ये चिकन जी। एक सेकेंड। अरे वाह, क्या हुआ? बहुत तेज लग रहा है भाई। उसके बाद भी केम अक्रॉस दिस अंकल जो बेच रहे थे खस्ता का जोड़ी गफा मार्केट में। गफा मार्केट पीछे वाली साइड पे ही है करोल बाग के एंड इनकी खस्ता का जोड़ी बहुत अमेजिंग थी और ये 38 ईयर से बेच रहे हैं।
तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट। तो अभी शिवा हमें लेके जा रहा है मूंगलेट के दाने, यहाँ फेमस है। मैं नहीं लेके जा रहा, बड़ा बदतमीज है। तो लेट्स गो देयर। तो हम आ गए हैं के बी चाट और यहाँ बनता है मूंगलेट। लेट्स गो एंड ट्राई मूंगलेट नाउ। ओके सो जितनी मैं एक्साइटेड थी ना मूंगलेट ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी एंड वहाँ पे सीरियसली बहुत सारे लोग थे जो खुश होकर खा रहे थे एंड आई डोंट नो हाउ, पर लिटरली मेरे दोस्तों ने टेस्ट भी नहीं किया एंड शिवम को ऑलरेडी पता था कि वो ख़राब होता है, पर वो स्टिल मुझे लेके गया वहाँ पे एज अ प्रैंक और समथिंग। ओके व्हाटएवर। तो मूंगलेट मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन इतना टेम्पटिंग लग रहा था बनते हुए, बटर वगैरह डाल रहे थे, वेजीज डाल रहे थे, सब सही लग रहा था, बट इतना इससे अच्छा तो मैं घर पे बना लूँ और आई एम नॉट अ वेरी गुड कॉक, तो आई डिडंट लाइक इट। पर पता नहीं लोग कैसे खा रहे थे, तो आई डोंट नो। गरम है मत खा भाई है। क्या करेगा तू इसका? पुअर ढूंढेंगे। अबे यार यहाँ पुअर भी नहीं मिलेंगे। ये करोल पा गया। तो द मूंगलेट वाज अ टोटल फेलियर। अंकिता कैसे लगा? मैंने नहीं खाया। सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग एंड द वीडियो एंड यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है पर बहुत कुछ खराब भी है। मूंगलेट तो बहुत ही खराब है। हमारा शिवम खो गया, ये रहा खो गया। सो खो गए हम कहां। आई एम गोइंग एंड द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा मेरे रिएक्शंस। तो शिवम बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। हाइप्ड हम लोग। अब आपने मेरी जान ले लेगा अगर मेरा चालान कटाना हो। और I'm